हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स, एल्स इफ लैडर एंड नेस्टेड इफ इन पाइथन। सो नाउ लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहला सवाल जो कि हम लोग बार बार इस चीज को यूज कर रहे हैं कि एल्स इफ एक कंट्रोल स्टेटमेंट होता है, इफ एल्स एक कंट्रोल स्टेटमेंट होता है, इफ एक कंट्रोल स्टेटमेंट होता है, तो ये कंट्रोल स्टेटमेंट का क्या मतलब है या कंट्रोल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर का मतलब आप ऐसे समझिए कि अगर हमने एक कमांड, एक स्टेटमेंट लिखा S1, ओके, दूसरा स्टेटमेंट लिखा S2, तीसरा स्टेटमेंट लिखा S3, चौथा स्टेटमेंट लिखा S4। अब नॉर्मली क्या होता है कि S1 के बाद S2 एग्जीक्यूट होता है, S2 के बाद S3 एग्जीक्यूट होता है और फिर S4 एग्जीक्यूट होता है स्टेटमेंट 4, और फिर ऐसे सीक्वेंस में ये चलता जाता है आगे। तो यानी कि एक के बाद एक जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं, लेकिन जब कंट्रोल स्ट्रक्चर की बात आती है तो वो इस सीक्वेंस को कंट्रोल कर सकता है, इस सीक्वेंस को चेंज कर सकता है। यानी कि मान लीजिए कि हमने S1 लिख दिया, S2 लिख दिया और यहां पर एक कंट्रोल स्ट्रक्चर इफ लगा दिया और आगे लिख दिया S3 और फिर S4 और इफ के बाहर लिख दिया S5। तो अब हो सकता है कि S1 S2 एग्जीक्यूट हो, इसके बाद S3 S4 और फिर S5, यानी 1 2 3 4 5। लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो S1 S2 एग्जीक्यूट हो लेकिन S3 S4 एग्जीक्यूट ना हो और यहां से फिर एग्जीक्यूट S5 पर आ जाए, यानी 1 2 5। तो चूंकि ये स्टेटमेंट यानी इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन के सीक्वेंस को चेंज कर सकता है या यूं कहें कि कंट्रोल कर सकता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट के साथ साथ इसको कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहते हैं, क्योंकि जो कंट्रोल का चेंज होता है, यानी कि जैसे अगर स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है, स्टेटमेंट 3 है और इसके बाद यहां इफ लग गया है, एक कंडीशन भी होती है यहां पे, और स्टेटमेंट 3 है, स्टेटमेंट 4 है, स्टेटमेंट 5 इफ से बाहर है, तो कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने पर ही ये S3 S4 एग्जीक्यूट होता है, नहीं तो फिर S2 के बाद डायरेक्टली S5 आ जाता है। तो यानी कि कोई कंडीशन भी हम लोग चेक कर सकते हैं। तो इफ हम लोग को एक तो कंट्रोल स्टेटमेंट के काम पे स्टेटमेंट्स का सीक्वेंस चेंज करने में हेल्प करता है, हम लोग डायरेक्ट सीक्वेंस के बजाय सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं, और दूसरा ये हमको कोई कंडीशन चेक करने में भी हेल्प करता है, जिसकी हेल्प से हम लोग कोई कंडीशन ट्रू होने पर ही किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो ये भी हम करा सकते हैं। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल। ओके, हम लोग पहले इफ स्टेटमेंट को देखते हैं कि इफ स्टेटमेंट कैसे काम करता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि यहां पर ऊपर कंट्रोल से ये चला आ रहा है स्टेटमेंट, ये डायमंड बॉक्स हमने यूज किया है फ्लो चार्ट में कोई कंडीशन या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को दिखाने के लिए। तो यहां पर ये चेक करता है कि क्या बाहर ठंडा है, तो इसका आंसर, किसी कंडीशन का आंसर या तो ट्रू फॉल्स में आता है या फिर यस नो में आता है। तो जो आंसर अगर ट्रू में आया तो फिर आप वियर अ कोट, यानी जाकर कोट पहनिए, अगर फॉल्स में आया तो आपको कुछ नहीं करना है। तो यानी कि कोट पहनने का प्रोसेस इस बात पर डिपेंड करता है कि बाहर ठंडा है या नहीं है, या यू कह सकते हैं कि कोट पहनने के प्रोसेस के लिए जब हम ये क्वेश्चन करें कि क्या बाहर ठंडा है तो उसका आंसर ट्रू आना चाहिए। अगर आंसर ट्रू आएगा तो फिर कोट पहनने का प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स आएगा तो फिर ये प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसको हम एक बार फिर से बहुत क्लियर ढंग से समझ लेते हैं। जैसे कि अगर कोई भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है जिसको कि हम लोग एक डायमंड बॉक्स एग्जीक्यूट करते हैं, हमने कोई कंडीशन यहां रखी तो कंडीशन का आंसर या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, यानी या तो कंडीशन ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। जैसे कि हमने कहा कि क्या बाहर ठंडा है, तो या तो ये बात सही होगी या ये बात गलत होगी।
तो अगर आंसर इसका ट्रू आता है तो एक कोई हम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे सपोज एस वन, और अगर फॉल्स आता है तो हम ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, हम इसको बिना एग्जीक्यूट किए ही आगे बढ़ जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट एस वन तभी एग्जीक्यूट होगा जब इस कंडीशन का आंसर ट्रू आएगा। अगर फॉल्स आएगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसके एग्जीक्यूट किए बिना ही हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल यही प्रोसेस यहां पर हो रहा है, हम इफ के इफ स्टेटमेंट के यूज से इसी प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। हमने लिखा इफ एक्सप्रेशन और यहां पर स्टेटमेंट, तो जो अगर जो एक्सप्रेशन है जब इसका आंसर ट्रू होगा, जब एक्सप्रेशन है और इसका आंसर ट्रू होगा तो फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, वरना ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहां पर आप ये बात भी नोटिस कर रहे होंगे कि जिस लाइन से जिस सीध में इफ स्टेटमेंट लिखा गया है, ये जो स्टेटमेंट है जो कि इफ के बाद एग्जीक्यूट होना है, यहां पर थोड़ा सा स्पेस छोड़ा गया है। ये जो स्पेस छोड़ा जाता है इस चीज को बोलते हैं हम लोग इंडेंटेशन, यानी कि एक छोटा सा ऐसा स्पेस जिससे कि वो स्टेटमेंट इफ के थोड़ा पीछे आ जाता है। ये चीज इफ को या हमारे पाइथन प्रोग्राम को बताती है कि ये स्टेटमेंट इफ के अंदर आता है। इफ के अंदर आने का मतलब कि ये स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होगा जब इफ कंडीशन ट्रू होगी, यानी इस स्टेटमेंट पर इफ कंडीशन का प्रभाव पड़ता है या ये स्टेटमेंट इफ कंडीशन के कंट्रोल में है। अगर इफ कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर इफ कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। आपको जब भी प्रोग्राम लिखना है तो इस इंडेंटेशन का जरूर ध्यान देना है, बिना इस इंडेंटेशन के आपका प्रोग्राम या आपका स्टेटमेंट कंप्यूटर ठीक से समझ नहीं पाएगा और वो गलत हो जाएगा, सिंटैक्स एरर हो जाएगा। साथ ही यहाँ कोलन भी है, इस बात का भी आप ध्यान दीजिएगा, ये कोलन है, कोलन यहाँ पे। आइए हम अब एक एग्जांपल से और आगे इसको समझते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 5। हमने एक कंडीशन यहाँ लगाई इफ x इज लेस देन y, यानी कि 0 इज लेस देन 5। तो इसके बाद हमने एक इंडेंटेशन छोड़ा, ध्यान दीजिए ये इफ की लाइन है, एक इंडेंटेशन छोड़ा, प्रिंट लिख दिया Yes, तो इसका मतलब ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये इस इफ के अंदर आ गया है, यानी अगर ये इफ का ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर ये फॉल्स हो जाएगा तो ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसका आंसर देखिए आया यस, यानी कहो कि कंडीशन ट्रू थी। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, इफ वाई इज लेस देन एक्स, प्रिंट यस, लेकिन यहां प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि यहां पर जो इसका आंसर आया वो क्या था, वो फॉल्स था, तो फॉल्स था तो इसीलिए ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि ये देखिए इंडेंटेशन छोड़ा गया है, तो ये प्रिंट स्टेटमेंट इफ के अंदर आता है। जो हम मैं बार बार बोल रहा हूं कि इफ के अंदर आता है या इफ के कंट्रोल में है या इफ इस डिसाइड करता है कि कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा या होगा एग्जीक्यूट, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं स्कोप ऑफ इफ, यानी उस इफ का स्कोप कहां तक है, ठीक है, यानी वो कितने स्टेटमेंट्स को कंट्रोल करता है कोई इफ, ठीक है। आप ऐसे ही सारे एग्जांपल्स को यहां पर देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ इफ के कंसेप्ट को थोड़ा सा और हम लोग समझते हैं। जो जिस चीज को मैं बोल रहा हूं स्कोप ऑफ इफ, इसी को बोलते हैं ब्लॉक ऑफ इफ भी बोल सकते हैं, स्कोप ऑफ इफ या ब्लॉक्स ऑफ इफ। तो ये डिसाइड होता है किस चीज से, इंडेंटेशन से, ओके। जैसे कि हमने यहां देखिए एक लाइन है प्रिंट बिफोर 5, तो जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो बिफोर 5 प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद शुरू हो गया कंडीशन हमारा एक्स इज इक्वल टू 5, पर यहां पर एक स्टेटमेंट है जिसमें कि x इज इक्वल टू 5 वैल्यू अलॉट की गई, तो कंडीशन यानी x में 5 वैल्यू अलॉट कर दी गई, ठीक है। तो कंडीशन रखी गई इफ x इक्वल टू 5, क्या x 5 के बराबर है,
प्रिंट इज फाइव, अगर बराबर है तो x की वैल्यू 5 है तो ऑब्वियसली यहां का आंसर आएगा ट्रू। तो अब जब ट्रू आएगा तो ये देखिए ये इफ की लाइन थी और ये जो उस इंडेंटेशन छोड़कर जो लाइन लगी रखी गई है, तो यानी कि ये पूरा ब्लॉक इफ के अंदर आता है, ये तीनों स्टेटमेंट इफ के अंदर आएंगे। कंडीशन ट्रू आई है इसलिए ये तीनों स्टेटमेंट जो इफ के अंदर आते हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। प्रिंट होगा इज 5 इज स्टिल 5 थर्ड 5 यहां से। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद फिर प्रिंट आफ्टर वर्ड्स 5, ये 5 ये फिर यहां प्रिंट हो जाता है। प्रिंट बिफोर 6 ये भी यहां पर प्रिंट हो जाता है। इसके बाद इफ x इज इक्वल टू 6, क्या x 6 के बराबर है, ये चीज फिर अब हम जानते हैं कि x की वैल्यू 5 थी, हमने ऊपर रखी हुई थी, x में 5 वैल्यू हमने स्टोर की थी, तो x 6 के बराबर हम पूछ रहा है तो इसका आंसर फॉल्स आएगा कि x की वैल्यू तो 5 है। प्रिंट इज 6, लेकिन अब देखिए यहां पर फिर वही बात है, ये इफ की लाइन है और एक इंडेंटेशन छोड़कर ये एक इफ का ब्लॉक बनाया गया है। तो जो इफ का ब्लॉक बनाया गया है या इफ का जो स्कोप है, क्योंकि कंडीशन फॉल्स है तो ये पूरा ही ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो सीधे यहां से ये कंट्रोल सीधे इस लाइन पर, यहां से ये कंट्रोल सीधे इस लाइन पर आ जाएगा, ये चीज एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि इसका कंडीशन फॉल्स आई है। ठीक है, तो यह प्रिंट आफ्टरवर्ड्स 6। नाउ दिस इज आल्सो नोन एज वन वे डिसीजन, दिस इज आल्सो नोन एज वन वे डिसीजन। आप देख सकते हैं ऐसा क्यों है, हम इसे वन वे डिसीजन कहते हैं, ऐसा इसलिए कि हम ये डायग्राम से हमारे बहुत क्लियर हो रहा है ये बात, क्योंकि जब कंडीशन अगर ट्रू होती है तो हमारे पास कुछ करने को रहता है, लेकिन फॉल्स होती है तो कुछ भी करने को नहीं रहता, या हम प्रोग्राम को पाइथन को नहीं बताते, कंप्यूटर को नहीं बताते कि हमें क्या करना है अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए, और इसीलिए और हम तभी बताते हैं कि जब कंडीशन ट्रू हो जाए तो उसी कंडीशन में हम बताते हैं कि क्या करना है, इसीलिए इसको हम वन वे कंडीशन कहते हैं, जिसमें कि केवल एक वे में हम लोग बताते हैं कि क्या करना है और दूसरे वे को हम लोग छोड़ देते हैं। तो ये इफ स्टेटमेंट होता है। आइए हम लोग देखते हैं कि जब एक से अधिक स्टेटमेंट हम रखते हैं इफ के अंदर तो वो किस तरीके से मैनेज किया जाता है। आप यहां देख रहे हैं कि इफ एक्सप्रेशन लिखा गया, ये लाइन है इफ एक्सप्रेशन की, और ये लाइन इंडेंट, यहां पर स्टेटमेंट्स के सामने इंडेंटेशन छोड़ा गया है। अब ये चूंकि बराबर इंडेंटेशन छोड़ा गया है तो इससे ये डिसाइड होता है कि ये एक ही ब्लॉक बनाता है, यानी एक ही इफ के अंदर है, इस इफ के कंट्रोल में आता है। जहां पर हम इंडेंटेशन नहीं छोड़ते, हम इफ के लाइन से ही लिखना शुरू कर देते हैं, तो कंप्यूटर को वो बताता है कि यहां पर इफ का स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया या इफ का ब्लॉक कंप्लीट हो गया, इफ का स्कोप खत्म हो गया, और यहां से अब वो स्टेटमेंट शुरू हो जाता है जो कि इफ के कंट्रोल में नहीं है। ये अगर हम इसका फ्लो चार्ट बनाएंगे, यहां पे कंडीशन है ये ट्रू होगा, यहां पर कुछ स्टेटमेंट्स वन आएंगे, स्टेटमेंट टू, और यहां पर फिर यहां पर ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ओके, तो ये ऐसा ही कुछ है। तो ये जो स्टेटमेंट है, यहां में ये इस इंडेंटेशन का ध्यान रखना होगा, जब तक हम एक ब्लॉक में रखना चाहते हैं अपने स्टेटमेंट्स को एक साथ कि ये सारे इफ के अंदर आ जाएं, हमें एक बराबर इंडेंटेशन छोड़ना होगा। अगर हमने इंडेंटेशन चेंज किया तो या तो वो इफ के बाहर चला जाएगा और या फिर वो एरर दिखा देगा। यहां पर हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं इफ के एक्सप्रेशन को। अगर इफ कंडीशन ट्रू होती है तो यहां पर ये देखिए इंडेंटेशन छोड़ा गया है सबके आगे, तो ये सारे इफ ब्लॉक में आते हैं, इफ के स्कोप के अंदर आते हैं। अगर इफ कंडीशन ट्रू होती है तो ये सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, ये सारे जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं ये सारे एग्जीक्यूट होंगे। वहीं अगर इफ की कंडीशन फॉल्स होती है तो इन सब का एग्जीक्यूशन नहीं होगा, कंट्रोल या हमारा कमांड सीधे इफ के बाद ये फॉलोइंग स्टेटमेंट पर चलाएगा। यही तरीका है इफ के एग्जीक्यूशन का। आइए हम लोग देखते हैं कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स को जो कि हमारे इफ स्टेटमेंट को कंडीशन को लिखने में यूज होते हैं। ये है लेस देन इक्वल टू
यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि यहां पर दो इक्वल टू ऑपरेटर का यूज हुआ है, तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर है या फिर रिलेशनल ऑपरेटर है जो कि दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए यूज होता है। जैसे कि x अगर हम दो बार इक्वल टू लिख दें y, तो ये पूछ रहा है कि क्या x y के बराबर है। x दो बार इक्वल टू लिख दें 5, तो ये पूछ रहा है कि क्या x 5 के बराबर है। लेकिन वहीं अगर हम सिंगल इक्वल टू का यूज करते हैं तो ऐसे कंडीशन में ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है और यहां पर ये y की वैल्यू, ये 5 की वैल्यू उठाकर x में रख दे रहा है। तो यहां पर x वेरिएबल को 5 वैल्यू अलॉट की गई, ये असाइनमेंट ऑपरेशन है। और डबल जब इक्वल टू यूज होता है तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। उसके बाद ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑपरेटर है, ग्रेटर देन ऑपरेटर है और नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है। आई होप अब आपको इफ का यूज समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही इफ के यूज को समझने में तो आप कमेंट में बता सकते हैं और हम उसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करिए और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।